बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफ़ज़्ले खुदा बख़ैर आफ़ियत रोज़ो शब कर रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ मरहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सोचा कि आज आपको मुबारकबाद दे दूँ। टॉपिक से एक दो और थे माइंड में पहले, मगर फिर इस दिन की अहमियत के लिहाज से मैंने सोचा कि इस पर बात करते हैं आज मुख्तसर सी। आज जैसे कि ये तो सभी को मालूम है, 100% लोगों को मालूम है, चले 100 नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 90% कर लेते हैं, कि लोगों को मालूम है कि 2024 का पहला महीना है जनवरी और इसकी आज 3 तारीख है। मगर मैं ये वसूख से कह सकती हूँ कि मोर देन 50% हमारे जो लोग हैं प्यारे लोग, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि इस्लामिक कैलेंडर की आज डेट है। ये अलग बात है कि जब न्यू ईयर को विश किया जा रहा था तो एतराज़ात बहुत सारे लोग थे लगाने के लिए, जो ये कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं और हमारा नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, हालांकि हद अदब या अदब के असूलों को मद्देनज़र रखा जाए तो मुहर्रम कहना भी थोड़ा सा नामुनासिब है। मुहर्रमुल हराम, हमें इसको इस बात को, इस मैसेज को फैलाना चाहिए, अपने यंगस्टर्स अपने बच्चों को बताना चाहिए, बड़ों के भी तरीके से अपने से बड़े को या जो भी अदब वाले रिश्ते होते हैं, तो अगर वो भी अगर किसी चीज़ को किसी वजह से उनके जहन में नहीं आ रही या लाइक नोटिस नहीं वो कर रहे, तो हम उन्हें बड़े एहसन तरीके से भी हल्के फुल्के अंदाज में उनके सामने बात करके उन्हें एहसास दिला सकते हैं। तो सो मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। और अभी जो महीना चल रहा है वो है जमातुस्सानिया और उसकी आज 21 तारीख है माशाल्लाह। अब मैं इतनी खुश क्यों होकर कह रही हूँ माशाल्लाह क्यों कह रही हूँ कि तारीखें तो हर महीने की 21 तारीख आती है, मगर इसलिए कि द ग्रेट डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरुल ऐन सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैह खातून जन्नत मादरे हसनैन करीमैन सलाम अलैह ज़ौजा मोहतरमा मौला अली अलैहिस्सलाम हमारी प्यारी बीवी हमारी आकाज़ादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उनका योम पैदाइश है माशाल्लाह। वो खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है। हम सब मुसलमान माएँ बहनें बेटियाँ जितनी भी फीमेल्स हैं, जैसे हमें कुरान और सुन्नत की तालीम से बहराबर होना, आगाह होना ज़रूरी है, इसीलिए अपने जेंडर के मुताबिक हमें पाक बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा मुतहरा सलाम अलैह की हयात तैयबा का मुताला भी करना चाहिए। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमने इसका भी हिस्सा बनना है ग्रेसफुली विद इन लिमिट्स, और हमने अपने असल जहाँ से हम आए हैं और जहाँ एट द एंड ऑफ द डे हमने जाना ही है, और वो कौन सा दिन होगा ये हमें मालूम नहीं है, बल्कि दिन क्या हमें लम्हों के बारे में भी कोई हम तयक्कुन से नहीं कुछ बात कह सकते। तो हमें चाहिए कि हम उनकी हयात तैयबा को अपने लिए रोल मॉडल बना सकें, अपने लिए ज़्यादा हयात बना सकें। हम जानें कि उनका मकाम जानें और उनका जो रहन सहन था, जो उनका लाइफस्टाइल था, देखें कि उनका ज़िंदगी गुजारने के उनके जो सुनहरी असूल थे वो क्या थे, और क्या हम आज की औरत जो मुसलमान तो है मेरे समेत अल्हम्दुलिल्लाह,
मगर क्या हमने कभी आई एम सॉरी टू से बट दिस इज यू नो अनडिनाइबल हार्श रियलिटी कि हम स्टार्स शोबिस के जो लोग हैं सेलिब्रिटीज हैं और इस तरह के यानी जो फेम वाले लोग हैं हमारी बेटियाँ माएँ भी कुछ बहनें भी बॉटिक्स पे जाती हैं अपने ड्रेसेस बनवाती हैं तो अपनी पसंदीदा जो सेलिब्रिटीज़ जो ज़्यादा खूबसूरत होती हैं ज़्यादा पॉपुलर होती हैं उनके स्टाइल में चीज़ें तैयार करवाती हैं अपने लिए क्योंकि वो उन्हें पसंद करती हैं। हालांकि सोचिए कि हमें अपना ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए अपने पर्सनैलिटी का अपने लाइक सफाई सुथराई का जैसे कल भी मैं अपने व्लॉग में कह रही थी कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसके अलावा हमें अपनी पर्सनैलिटी ओवरऑल अपनी ड्रेसिंग हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मगर एक दिन आएगा ना कि ये सब चीज़ें तो मिट्टी का रिस्क हो जाएंगी हमारा सारा हुस्न हमारी सारी फिटनेस हमारे रंग रूप सब मिट्टी में मिल जाएंगे मिट्टी की गिज़ा बन जाएंगी कीड़ों की गिज़ा बन जाएंगे और हमारी चीज़ें जो हमारी वार्डरोब्स भरी हुई होंगी वो न जाने फेंकी जाएंगी या कौन इस्तेमाल करेगा हमारे ऑर्नामेंट्स हमारे ब्रांडेड शूज़ बैग सारा कुछ मगर अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो हमारे अमाल होंगे हमारी गुड डीड्स होंगी और उन पे फोकस करने की भी तो ज़रूरत है ना क्योंकि मुसलमान बेसिकली कम्बिनेशन का नाम है दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने का और यही असल इम्तहान है किसी एक रास्ते का यानी सिर्फ आप एक मखसूस चीज़ें यानी आप दुनिया से तर्क दुनिया हो जाएं और खाली उस रास्ते पे चलें तो वो भी बहुत मुश्किल नहीं है और अगर आप खाली दुनिया के ही राही हो जाते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मगर इन दोनों चीज़ों को एहसन तरीके से साथ लेकर चलना मैटर करता है और ये हमारा दीन हमें सिखाता है क्योंकि हमारा दीन बेसिकली हमारी जो किताब है हदायत और रहनुमाई के लिए ये कोड ऑफ लाइफ है और हमारा दीन इसलिए नहीं है कि हम महज मजालिस और महाफिल सजा कर और हम महज तस्करे जो है वो शेयर करें और महज हम मुख्तलिफ कलाम हम नाच शरीफ पढ़ें या हम नोहे पढ़ें या यू नो जो डिफरेंट हमारे मुसलमानों के मसालिक हैं उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ जो जो जहाँ जहाँ है ठीक है अल्लाह के हुक्म से है मैं या आप कोई उस पर एतराज़ या कमेंट करने का हक नहीं रखता बट जो असल बात है वो ये कि खाली डेज सेलिब्रेट करने से हक नहीं अदा हो जाता हमें सुन्नतों को ज़िंदा करना है तो फिर हम कहला सकते हैं फिर हम जचते हैं खुद को मुसलमान कहते हुए फिर हम जचते हैं खुद को उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हुए और वो कैसे होगा कि जब हम उनकी तालीमात पर अमल करेंगे कि हमें हमारा दीन अपने प्यारे लोगों के ज़रिए सिखाता क्या है वो हमें बर्दाश्त का सबक देता है अफ़ो दरगुज़र का सबक देता है खैर और भलाई का हुक्म देता है और समप करता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि इस्लाम की शॉर्ट मुख्तसर तरीन तशरीह या तारीफ़ क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूखे का पेट भरना और प्यासे की प्यास बुझाना चैरिटी बेसिकली आप वही चीज़ के जो चैरिटी का दर्स देता है हमारा दीन कि खाली अपने पेट भरने का या अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना इंसानियत के आला दर्जा में नहीं आता बल्कि अपने जैसे दूसरे इंसानों और स्पेशली जो किसी क्राइसिस का शिकार हो या मसाइल का शिकार हो और जो किसी भी वजह से थोड़ी तंग दस्ती का कह लीजिए शिकार हो उनका ख्याल रखना और दूसरों को अल्लाह के दिए हुए माल में से हिस्सादार समझना हमें नहीं मालूम होता कि हमें जो रिस्क मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है किस किस का हिस्सा है उसमें इस पर गौर कीजिएगा और आज के स्पेशल दिन के हवाले से कि हमें आज के दिन में तो छोटी छोटी कोई महाफिल कोई मजालिस करनी चाहिए औरतों को ख़वातीन को और पाक बीबी के हयात तैयबा के जो रोशन जो मीनारे हैं उनको एक दूसरे के साथ इंडिकेट करना चाहिए
वो बहसियत बेटी उनका क्या अंदाज था, अंदाज़े हयात क्या था, और इस तरह बहसियत वालिदा, बहसियत जौजा, वो उनके क्या तरीके थे। और अगर डेफिनेटली हम आज के दौर की औरत 100% उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर बेसिक्स तो ही होने चाहिए ना। हमें अपने वालदैन का फर्माबरदार होना चाहिए, उनकी बेहतरीन खिदमत, अदब, एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की करनी चाहिए कि हम दुनिया को बहुत बेहतर लोग देकर जाएं और वो बेहतरीन इंसान बने, और जो वक्त के चैलेंजेस हों उन्हें एहसन तरीके से वो उनके उनको लाइक मीट कर सकें, फेस कर सकें, डील कर सकें। और इसी तरह ही अपने हस्बैंड के साथ हमें कैसे चलना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शोहर का एहतराम क्या है, हमारा दीन क्या हमें हुक्म देता है उसके बारे में, कि क्या हमने उसका मुकाबला करना है उस शख्स का जिसके बारे में, जिस रिश्ते के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर शिर्क ना होता तो मैं औरत को अपने शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह अकबर। और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेरे इस मैसेज का की सिर्फ इतनी सी अहमियत है कि जैसे देखिए मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है ना, उसका रोल वो क्या कर सकता है, सिर्फ वो अपना अपने थोड़ा बहुत जो उसके पास नॉलेज होता है उसकी रोशनी में वो शेयर कर सकता है अच्छी अच्छी बातें, जिन पे सबसे पहले वो खुद उसका अमल पैरा होना ज़रूरी है, वो खुद पहले प्रैक्टिकली उन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस कर रहा हो और फिर वो दूसरों से कहे लाइक इसका हक ये है। और ये ऐसे ही है कि जैसे पहले ज़मानों में, पुराने ज़मानों में, अभी भी कुछ इलाकों में कुछ लोग शौक से करते हैं कि जब रमज़ान मुबारक होता है महीना माहे रहमत और मगफरत और बख्शिश, तो कुछ लोग सहरी के वक्त ढोल बजाकर मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में से गुजरते हैं या लोगों को जगाने के लिए कि अल्लाह के बंदो उठो रोज़ा रख लो। और इसी तरह ही अब रोज़ा किसी ने रखना है या नहीं रखना ये तो किसी की अपनी मर्जी है ना, उसकी अपनी चॉइस है, मगर वो अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। और इस तरह ही हम सब के मोबाइल में जिससे और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो एक अलार्म भी होता है ना क्लॉक, तो हम उस पर अलार्म लगा देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हमने जिस टाइम पे एक्टिव होना होता है हम उससे कुछ मिनट पहले का, कम से कम मेरी यही हैबिट है और मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है माशाल्लाह, तो उनकी भी ये रूटीन है कि सपोज़ कि हमने 6 बजे सुबह में उठना है तो हम 2 अलार्म, एक अलार्म 5 o'clock का लगाएंगे, एक 5:30 का लगाएंगे, ताकि हम 6 o'clock तक एक्टिव हो चुके हों। टाइम को डिज़ाइन करना होता है ना, हर शख्स ने इस तरह ही होता है कि भगदड़ नहीं मचती है और पीसफुली सब काम हो जाते हैं। तो वो जो क्लॉक है, अब ये भी हो सकता है कि वो जब अलार्म बजता है हम उसको बंद करें और फिर से सो जाएं। चॉइस हमारी है, चॉइस हमेशा इंसान की अपनी होती है, बाकी सब बहाने होते हैं या मजबूरियाँ भी हो सकती होंगी। ऑल्दो के पर्सनली मैं ये मजबूरी वाला जो वर्ड है ये मैं नहीं इस पर बिलीव करती, और मजबूर लाइक एक अलग उसकी डेफिनेशन है, उस पर भी करेंगे बात इंशाल्लाह बशर्ते हयात। तो बहरहाल जैसे मैं कह रही थी कि मोटिवेशनल का रोल इतना ही होता है, वो ढोल बजाना, जो शहरी में आके ढोल बजाते हैं उनकी तरह समझ लें, या मोबाइल या टेबल क्लॉक में जो अलार्म होता है वो समझ लें, उसके बाद तो फिर अपनी चॉइसेस होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम आज के दिन गुसल लेके, अच्छा लिबास पहन के नवाफिल अदा करें और बीवी पाक के खिदमत एकदस में पेश करें, और हम उनकी हयात तैयबा का मुतालिया करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें उनकी सुनतें। और इसके अलावा मेरे समेत हम में से जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उनकी बख्शिश के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कुछ अहतमाम करें, कुछ सदकात करें, और कुछ जैसे न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस हमारी होती हैं, इसी तरह ही हम ऐसे दिनों पे भी कोई एक अपने अंदर से कोई एक फालतू चीज़, आदत कोई जो है, या कोई शौक, या यू नो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि
ज़रूरी नहीं है लाइफ के लिए, उसको हम निकाल दें अपनी पर्सनैलिटी में से और कोई एक ऐसी अच्छी आदत, कोई ऐसा अच्छा शौक, कोई ऐसी अच्छी बात अपने अंदर जो है शामिल कर लें अपनी शख्सियत, सोच और दिल में, जो कि हमारे दीन के तालीमात से बहुत ज़्यादा मैच करती हो। तो इस तरह ग्रेजुअली हम काफ़ी बेहतर इंसान, काफ़ी बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि हम कुरान को सिर्फ बोसा देकर ऊंची जगह पर रखने पर बिलीव ना करें और दीन को सिर्फ मुसल्ले की हद तक ना समझें और खाली जो दीन की तालीमात हैं वो मुख्तलिफ मौके पर महज सुनने और सुनाने तक ना रखें। दीन इसका नाम तो नहीं है, दीन तो अमल करने का नाम है। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और टाइम निकाल कर मेरे ये बातें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, इनको आगे भी बढ़ाइएगा और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिर दुनिया वल आखिरा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।